आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में भाई, जो कि इस गाड़ी को लेकर मेरे पास काफी सारे कमेंट आए और भाई मैसेजेस भी आए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि गाड़ी में जो है क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और ब्रांड को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जो कि ब्रांड ने अभी तक नहीं किया है। तो आज हम उन सभी चेंजेस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो भाई इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन इसमें जो है हीरो और भी ज़्यादा अपडेट कर सकता है, जैसे कि भाई इसका जो टैंक है वो आपको अभी मिल जाता है नॉर्मल सा, लेकिन अगर हीरो चाहे तो इसमें आपको टैंक काउल प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन भाई हीरो देता नहीं है ताकि गाड़ी महंगी ना हो इसीलिए। लेकिन भाई चांस है कि गाड़ी में आपको टैंक काउल मिल सकता है आने वाले कुछ नए अपडेट्स में, वरना भाई आप लोग चाहो तो वैसे भी इसमें अपना टैंक काउल लगा सकते हो आफ्टर मार्केट खरीद के। और भाई इसमें जो है ब्रांड अभी आपको देता है हेलोजन का हेडलाइट, जो कि भाई वो तो अब एलईडी का ब्रांड को कर देना चाहिए। तो भाई वो भी आपको जो है आने वाले कुछ नए अपडेट में आपको एलईडी का मिल जाएगा भाई। बाकी गाड़ी में आपको मिलता है डीआरएल एलईडी का, जो गाड़ी के टेल लाइट है और जो इंडिकेटर है वो तो आपको मिलेगा ही हेलोजन का, जो कि मिलता चला आ रहा है। बाकी इसका भाई जो कंसोल है वो आपको मिल जाता है फुली डिजिटल, जो कि उसमें आपको ब्रांड जो है प्रोवाइड कराता है एक्सटेक का फीचर। लेकिन भाई जो कंसोल की जो लाइट है, जो ब्रांड ने उसे कर दिया है ऑरेंज, वो भाई ब्रांड को चेंज करना चाहिए भाई। गाड़ी का जो कंसोल है वो तो अच्छा है, लेकिन भाई जो लाइट है वो मुझे नहीं पसंद। क्या वो लाइट आपको पसंद है? तो भाई मैं चाहता हूं कि ब्रांड को इसमें जो है लाइट करना चाहिए ब्लू, जिससे कि भाई कंसोल का लुक काफी ज्यादा अच्छा आ जाएगा। और भाई ब्रांड जो है इसमें आपको दे सकता है आने वाले कुछ टाइम में फ्रंट में डिस्क भाई, जो कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है कि इसमें जो है अब डिस्क ब्रेक आना चाहिए, क्योंकि भाई जो अदर ब्रांड है जिनकी गाड़ियां 100 सीसी की हैं, प्लेटिना हुई भाई, टीवीएस की गाड़ियां हैं, उनमें भाई आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि 100 सीसी की हैं। फिर भी तो हीरो जो है अभी पीछे है इस मामले में, लेकिन भाई चांस है कि आपको आने वाले कुछ नए अपडेट्स में इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगी भाई, और जो एबीएस है वो भी आपको मिल सकता है। बाकी जो है भाई गाड़ी में आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ही नए कलर्स और बिल्कुल ही नए ग्राफिक्स भाई, जिससे कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और भी ज़्यादा। इसका भाई जो ग्रैब रेल है वो भी अपडेट हो सकता है, तो भाई वो तो आप चाहो तो आफ्टर मार्केट अभी भी लगवा सकते हो भाई, जो कि आपको 250 रुपये का मिल जाएगा आफ्टर मार्केट। तो जो है भाई ब्रांड को वो भी चेंज करना चाहिए, जिससे कि गाड़ी का जो ग्रैब रेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए भाई, ये गाड़ी बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। बाकी भाई ब्रांड को इस गाड़ी में और कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है भाई, फेयरिंग आपको पूरी सेम दे दो भाई, लेकिन जो टैंक है वो चेंज कर दो, वहाँ पर टैंक काउल प्रोवाइड करा दो। बाकी भाई गाड़ी में कोई भी और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताना भाई क्या आपको ये सारे अपडेट्स इस गाड़ी में चाहिए जो कि मैंने आपको बताए हैं। बाकी भाई अगर ब्रांड जो है गाड़ी में ये सारे अपडेट करता है तो प्राइस में आपको लगभग अंतर मिल जाएगा 10,000 रुपये का, जो कि भाई ये गाड़ी तब भी लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। और भाई चांस है कि गाड़ी में आने वाले कुछ टाइम में कुछ नए अपडेट्स मिल जाएं, जो कि भाई अपडेटेड आपको गाड़ी मिल जाएगी आने वाले 3 से 4 मंथ के बाद, जो कि भाई उसमें आपको डिस्क ब्रेक तो मिलेगा ही और आपको एलईडी के लाइट मिल जाएंगे भाई, ये अपडेट आपको आने वाले कुछ मंथ में मिल जाएगा। बाकी भाई इंजन टायर आपको बिल्कुल मिलेगा सेम, तो भाई आप लोग चाहो तो आने वाली नई अपडेटेड हीरो स्प्लेंडर प्लस 2.2 एक्सटेक का वेट कर सकते हो, जो कि भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगी। तो भाई जो वीडियो है आप इसे कर दो लाइक, और भाई जो चैनल है इसे कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।